अब क्या बात करके आया था, अपना बॉडी का लैंग्वेज। अपने बॉडी को दो लैंग्वेज है, एक भूख का लैंग्वेज और एक दर्द का लैंग्वेज। दो ही लैंग्वेज अपन को, बस दूसरा आगे कुछ सीखने का जरूरत भी नहीं है। तीसरा नंबर, बॉडी का जो सिस्टम हम लोग सब पढ़ते हैं, पढ़ते बोले तो ये प्लस भी था वर्ष पर पढ़ते हैं, लेकिन जो अपन जो पढ़ते हैं वो अपने शरीर जीने के लिए कुछ नहीं पढ़ाते, खाली बिजनेस पढ़ाते, फुल्ली बिजनेस है। वो कैसा पैसा कमाने का, वो एक ही, वो भी ह्यूमन राइट्स भी अभी गंदा हो गया है। और पहले अपना जो एक सिविलाइजेशन था, इस संस्कृति था, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये सब मिलके ही शरीर के बारे में सीखना पड़ता है। पुराना लोग हम लोग को जो सिखाता था वो जीने के लिए सिखाता था, उसमें गुरु था, वो गुरु का अंडर में जाके हमको क्या बनने का है वो जानता। अभी अपन को कौन जानते, पहले माँ कैसा था, माँ बच्चे का भूख और दर्द यही देखता था, क्या पढ़ा है क्या पढ़ा नहीं है वो उसको जानने का जरूरत होता। जो अपना सीढ़ी से अपना संस्कृति उसका ऊपर ही था, बराबर वो सब डाइवर्ट हो गया। किसके लिए जीने का है किसको मालूम नहीं, ये बॉडी क्या है किसको मालूम नहीं, बॉडी लैंग्वेज कोई मई चला आज तक पढ़ा नहीं है, पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इसका फैब्रिकेशन मतलब इसका जो स्ट्रक्चर खाली उनको वही जानता है। आपको अभी अभी हम इधर से जो बात करते हैं वो देखेगा तो सुनेगा तो आप तुरंत उसका रिएक्शन करते हैं, कैसे इतना जल्दी आपको कैसे समझाए। अभी मैंने इधर से बोलेगा तो आपका आंख से आंसू आएगा, आप हंसेगा। अभी आपका घर में जो ठीक है ऑफिस में आपका जो सामान पड़ा है आप इधर से देख सकते हैं, आप ये आंख से नहीं देखते है, तो देखने वाला अलग है, सोचने वाला अलग है। ये बॉडी आप उसका अंदर जो जान है उसको सोल बोलते हैं। आप कुछ भी बोलो, उसको ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, शंकर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो आदमी इसका अंदर ही है, उसके लिए हम जी रहे। वो अगर उतर के गया ये आप लेके अभी जला हो आपको कुछ नहीं होते, दर्द नहीं होता, जला दर्द उसको ही होता है। ये शरीर को दर्द नहीं होता है, ये शरीर को कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये शरीर को बीमारी भी नहीं आता है, नहीं आता, क्योंकि वो आदमी उधर उसका अंदर से अगर उतरा ये लग रहा है जलाओ ले दिया बस, तो वो टाइम में आपका आंख और मुंह ये खान ये स्मेल ये सब है आपका, बस ये क्या जरूरत है। हम लोग कोई एक्सरे आपने MRI लेके बैठे रहे उसको MRI कभी ले सकते हैं बोल, तभी मैं वो एक्सरे को मार, इधर कोई भी इधर कोई पेपर लेके आता तो मैं मानता नहीं है। तो मतलब क्या ये किसके लिए, चल आने का हो तो तू वो एक्सरे लेके आ, तो चेहरा देख के, क्योंकि आपका बेटी को मैं क्यों मिलने के लिए बोला, उसका चेहरा देख के तो हमको आइडिया आलम मालूम हो जाते हैं। कल आंखों में देख के आपका जो आपने जो बोला था वो नहीं आपके शरीर में देखा, मैं अलग ही देखा, अलग ही देखा वो सही नहीं था, तो ये आपके डाल से आपको मालूम पड़ जाते हैं आपका स्किन खराब है नहीं आपका लीवर खराब है, ये दोनों का है। तो वो तो किधर जाना पड़ेगा, लीवर में जाना, तो इसका एक्सरे लेके फायदा है क्या, इसका टेस्ट लेके फायदा है क्या, कुछ फायदा नहीं। तो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, अच्छा और एक बात बताता हूं, हर चीज में अपना माँ बच्चे को बच्चे रोते तो माँ को मालूम है, वो दूध के लिए रोते हैं, अगर दूध पीता नहीं है तो तुरंत माँ को मालूम पड़ जाते वो कुछ दर्द हो रहा है। ये दोनों उसने कौन सा भाषा से बताया, एक ही भाषा से मुंडी हिलाते तो इसका मतलब ओके, और नहीं आते वो भी मुंडी हिला सकते हैं,
अपन जाने का आने का सब अपन मुंडी से बोलते हैं yes. और एक आंख से बाल मालूम पड़ जाते हैं oh. ये ऐसा करने के लिए ऐसा जो सिखाने के लिए किसका पास है एक्सरे है और किसका पास है और आपका बॉडी में से एक आरबीसी 25 लाख का ऊपर आरबीसी एक सेकंड में पैदा होता है और मरता है oh. उसमें से ये सुई निकलने के टाइम तक दूसरा बन गया दूसरा मर गया तो आप बॉडी में कौन सा चेंज आपने कौन से टेस्ट करके आया है तो 5 मिनट में आपने जो एक ब्लॉक में जाके आपने टेस्ट करो ब्लड टेस्ट करो शुगर टेस्ट करो कुछ भी टेस्ट करो दूसरा बन गया उसको अलग ही है और 10 लाख में जाकर टेस्ट करो 10 लाख भी अलग है तो मैं क्या करते हैं जो बड़े बड़े रोग लेके आते हैं कैंसर लिवर सिरोसिस लिवर सिरोसिस किडनी ऐसे हार्ट अबोल्ड हार्ट अटैक ये सब जो आते हैं जो लोग डर के आते डरा के आते डर के आते नहीं आते डरा के लेके आते उसको हम 10 लाख में जाके तो ओके बीमार भी होने दो फिर भी 10 लाख में जाके मैंने उसको टेस्ट रिपोर्ट लेके आगे ना आप सरप्राइज हो जाएगा वो 4-5 जगह पे ओके पर दूसरा भी एक बताता हूँ कोई डॉक्टर को बताते हैं तो आप को भी आपका पेपर लेके जाना नहीं कभी नहीं जाना क्योंकि एक डॉक्टर को बताते तो वो डॉक्टर पहले पूछते दूसरे डॉक्टर गया है क्या गया तो वो पेपर दे क्यों उसको रोग निर्णय करने का जरूरत नहीं है वो निर्णय लेके आया है फिर वो उसके साथ में जाते हाँ बोलेगा मैं पहला बार आ रहा हूं मैं कोई डॉक्टर के पास गया नहीं है उसे आपका रोग निकालने दो तो आप सरप्राइज हो जाएगा वो रोग नहीं निकालेगा दूसरा रोग निकालेगा अलग ही निकालेगा इसका मतलब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं ये पेपर में लेके जाते बोले तो वो डॉक्टर का हिसाब से आप वो डॉक्टर को मानते ऐसा हो गया ये उसका बाकी है कुछ चेंज है 10 डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो 10 डॉक्टर आपको 10 टाइप बोलेगा आप जाके कभी बोलना नहीं हमको क्या बीमार है उसे पकड़ने देना ये लोग सब पढ़ा है एक ही कॉलेज में पढ़ा है लेकिन इससे 10 लोग कैसे 10 रिपोर्ट बुलाया क्योंकि किसी को मालूम नहीं है बॉडी क्या है बॉडी को एक ही बात समझो आप जो खाना खाते है वही आपका बॉडी है जो थिंकिंग है पहला नंबर आपका सोचा है सोच क्या है आप इधर इधर जो आते 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 हैं पहला उसको किसके बारे में सीखना पड़ेगा भगवान का बारे में सीखना उसको मान वो भगवान इसका अंदर है वो ये इसका अंदर है उसको भूख लेते हैं वो देखते हैं देखने वाला वही है क्योंकि जो माँ का बाप का एक स्पर्म से माँ का अंडा का उधर गया उधर बैठ के वो एक अंड एक स्पर्म अंदर जाने के बाद में कोई स्पर्म को वापस अंदर छोड़ेगा नहीं वो तुरंत बंद कर देते एक अंदर घुस गया सबसे ताकतवर वो भी आपको बताता हूँ वो भी क्या है आप स्वयंवर सुना आपने स्वयंवर स्वयंवर बोले तो जो लड़की लड़के को सिलेक्ट करता है वो क्या सिलेक्ट है मालूम आपको नहीं मालूम ये एक बाप का एक ग्रुप स्पेम से शुक्र से 1,40,00,000 का ऊपर स्पेम है वो बाप का जो टाइम है वो जो स्पेम छोड़ने का टाइम है वो बाप का कौन सा भावना है वो भावना से छोड़ा वो टाइम में वो मां ने वो 1,40,00,000 का ऊपर का जो स्पेम से अंदर से कौन सा टाइप का कौन सा स्वभाव का आदमी को चुनने का जो अधिकार है वो सिर्फ मां को है वो ये स्वयंवर उसमें से एक को चुनते हैं वो टाइम में मां का जो स्वभाव मां का जो थिंकिंग मां का जो ये उसको स्वयंवर ये शकुंतला का और दुष्यंत का नहीं है किसी को ये ऐसे रूट में कोई जाता नहीं है तो वो लिया वो लेने के बाद वो एक अणु को लेने के बाद तुरंत बंद हो जाते तो किसी को अंदर छोड़ता नहीं है जाता नहीं जाते उधर बैठ के वो भगवान ने उसको अंदर गया वो भी वो प्रेम का अंदर से कौन गया अंदर भगवान भगवान अंदर गया उधर जाकर उसको बैठने के लिए उसने खुद पहले लिया शरीर उसके उसको मालूम है कैसे बनाने का वो कभी मैं इसका अंदर बैठ सकता उसको बैठने के लिए उसने बनाया हुआ है शरीर है ये उसने हार्ट ब्लॉक ये सब कौन बनाया आसमान से उतरा नहीं
उसको उधर बैठ के उसने हिस्से हिस्सा बनाने के लिए वो भी माँ ने जो खाया खाना से खाना से बना हुआ है, माँ जो खाना खा के 21 दिन का बात आपने बताया ना, वो माना जो माँ ने जो खाना खाया वो खाना से आप पैदा हुआ है, वो खाना से आप बड़ा हुआ है, वो खाना से आप खाने से बिना वो मरा है, मरने के बाद भी वो खाना बन गया है। इसलिए गुजरात में के कोई एक जगह पे है तो खाने के बाद में सागर में डालते हैं, नहीं तो फिर रखते हैं उसको खाने के लिए रखते हैं, क्योंकि वो खाना ही है दूसरा का। अच्छा। एक कौन सा एक जात है ये पारसी लोग में वो तो पक्षी को देता है, पक्षी को देते हैं, कारण वही है। और दूसरे भी जाते हैं वो थोड़ा मांस खाते हैं, तो सब ये साधु गोता ही ऐसा कुछ हिंदुस्तान में ही है, वो थोड़ा मांस खाते हो लोग पूजा करते, वो ये सब खाना है। वो खाने से हम लोग, उसके पीछे कोई साइंस है, कोई भी कुछ भी करते कुछ ऐसा नहीं करते, उसका पीछे कोई साइंस है, वो खाए वो खाने का ऊपर पूरा दूसरा बार। अच्छा, वो उसका अंदर बैठ के उसको रहने के लिए, बैठने के लिए, उसको चलने के लिए और उसको सुनने के लिए, उसको दर्द होना जो कुछ करते हैं वो ही उसको ही होते हैं। वो जब भी अपने शरीर के अंदर से बाहर जाते हैं तो तभी आत्मा मर गया बोलते ना, मैं तमिल में क्या बोलते, सत्य वही बोलते, सत्य बोलते उसका जान गया, उसको वो अपन जो मर के फड़ा हुआ है वो टेमी आपका आंख है, खान है, मुंह है, कोई भूलने वाला नहीं है। तो आप जिया किसके लिए जी रहे, उस भगवान के लिए जी रहे। इसलिए गीता में ये बोला है अर्जुन को, कृष्ण को अर्जुन ने बोला था, भगवान ये जो सामने खड़ा है ये सब मेरे भाई हो गए, उसको कैसे मारू मैं। तो भगवान क्या बोला, अरे बुद्धू वो अगर तेरा भाई हो गए तो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा हो गए तो वही नहीं बोलते तू मार। इसको मारा मारी है ना, वो शरीर से संबंधित, वो युद्ध नहीं है, वो सच्चाई का और झूठ का वो धर्म अधर्म का वो युद्ध था। वो धर्म अधर्म आपका अंदर ही है, शैतान भी आप है, भगवान भी आप है, दोनों आपको जो चुनने का है उसको अंदर से चुनो। भगवान अलग नहीं है, शैतान अलग नहीं है, दोनों आपके अंदर है। पदरेगाली भी लड़की औरत है, दुर्गा भी औरत है, सीता भी औरत है, दोनों उसका अंदर ही है। तेरे को जीवी मिलते तो दुर्गा बनो, जीवी जिसको तेरा खोपड़ी घूम गया तभी तुम पदरेगाली बनो, काली बनो, सीधा भी बनो, महालक्ष्मी भी बनो, वो सब आपका अंदर है। तो ये बात को आपको कौन सा छूने का है आपका इच्छा, ये आदमी का आयुर्वेद का बेस है। अपना अपना जो सेल है वो अपना अपना ऑपोजिट आएगा तभी बीमारी होते हैं। अपना जो सेल हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, मेरा ही ऑपोजिट आ जाएगा तभी बीमारी, उसको बीमारी बोलते हैं। आपको सब कुछ करने के लिए भगवान ने अंदर बैठ के कर रहे हैं, आप भी इसको गलत कर रहे हैं तभी आपको बीमारी हो, उसका फल है। वो फल भी कैसा है, आप पुनर्जन्म मान लो, पुनर्जन्म बोले तो अपना पुराना जन्म बोले तो आप क्या समझते हैं, वो जो गया जन्म में क्या, गया जन्म में क्या था कुछ नहीं मालूम को, गया जन्म क्या बोलते हैं, अपना जो शरीर है अभी अपने जो बात किया है वो बात करके छुट पीछे का उसको गया जन्म बोलते हैं। अच्छा, गया जन्म बोले तो आपका जो बचपन का पहले का नहीं है, अभी हम लोग जो बात कर रहे उसको जस्ट पहले अपन क्या किया वो ये बीमारी, आपने जो खाया अच्छा खाया तो बीमारी नहीं। ऐसे पुराना जन्म बोलेगे तो, गया जन्म बोलेगे तो आपका माँ बाप का ऊपर का नहीं है। अब भी अपन जो क्योंकि अभी अपना कोशम अपना सेल 21 डेज में जन्म होते और मरते हैं, अपना मादर कोश बोलते हैं और मादर सेल बोलते हैं। मादर सेल बोलेगे तो जो अपना अंडा बोले ना उसका अंदर जो स्पेर जाने के बाद में एक साइगोट बनते हैं, वो साइगोट डिवाइड होते हैं, वो डिवाइड होके ये सेल पूरा टोटली बना हुआ है। तो वो ये पहला वाला जो सेल उसको मरने का टाइम है 21 डेज, सिर्फ 21 डेज में वो सेल
जिंदा रहते हैं, उसका वजह वो सब अलग अलग होकर फिर नया 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 बनते हैं। एक सेल को उसको मादर सेल बोलते हैं, उसको फिर बाद में मादर सेल यम सेल, यम सेल बोलते हैं, यम सेल को यम सेल बनाने के लिए 21 डेज होते हैं, मरने के लिए 21 डेज। वो 21 डेज का आगे आप जो खाना खाते हैं, आप जो खाते हैं वो आगे वो आपका सेल न्यू सेल बना रहे, वो न्यू सेल बनाएगा, वो न्यू सेल बनाने के साथ में आपको एनर्जी मंदे, इम्यूनिटी पावर मंदे, और आपको काम का नया सेल को बनाने का है, और ऑक्सीजन को ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड भेजते हैं, और पुराना सेल जो मरे है उसको अंदर ले लेते हैं, खून में लेते हैं, और ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजनेशन ये सब जो सेल में जाने का उसका अंदर होने का है, इस सब कर्म आपको करने का है। आप वो जो खाते वो खाने का ऊपर ही डिपेंड है, वो खाने के ऊपर कोई चिंता नहीं कर रहे, जो कंपनी वाला बोलते वही खाते हैं। करेक्ट, इसलिए बोलते जो खाना जो है वो भगवान को जो देते हैं, समझा, इसलिए भगवान को जो देते खाना वही खाने का बोलता है, सब धर्म में बोल रहा है, सब धर्म में बोल रहा है।